हेलो गाइस, एक बार वापस से आपका स्वागत है आप सभी के फेवरेट गैजेट शो में। द नेम इज प्रीटी ऑब्वियस, यू आर वाचिंग गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी। एंड बेसिकली आज के इस एपिसोड में आई हैव गॉट सम अमेजिंग गैजेट्स फॉर यू। गैजेट्स काफी प्यारे हैं मुझे और आई थिंक आपको भी होंगे, बिकॉज ये हमारे लाइफ को काफी आसान बनाते हैं, हमको एंटरटेन भी करते हैं और हमारा काम भी जो है वो काफी अपने आप ही कर देते हैं, बिकॉज वी आर ऑल यूजिंग दीज स्मार्ट गैजेट्स। तो इन दिस एपिसोड आई हैव गॉट एवरीथिंग फॉर यू। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ गैजेट्स। गाइज, मेरा नाम है गौरव, ए के टीजी, यू आर वॉचिंग गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप कि जो गैजेट्स की दुनिया है ये बहुत तेज है, एंड बहुत तेज से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा ही तेज है। सबसे पहले वी जस्ट नीड टू स्टॉप, look around, do a quick recap to just understand कि क्या हुआ in the past week, कहाँ कुछ नया launch हुआ, कौन सा product leak हो गया है, everything in this segment news of the week. After launching in China some time back, Oppo is all set to launch their flagship Oppo Find X8 series with ColorOS 15 globally on 21st November. The smartphone will sport a Hasselblad branded camera for sure. Rest, we'll have to see what all features it brings from the Chinese variant. The game that is touted to be GTA 6's rival, Paradise by Epic Games, has just dropped another video, showcasing how the players can interact with NPCs in the game. ये NPCs AI-powered हैं, and इनके साथ converse करना ChatGPT में prompt type करने जैसा ही है। You walk towards the NPCs and type in your query, to which they respond. What's more interesting is that players हर एक NPC से converse कर सकते हैं। X has been testing its generative AI model Grok for free. ये AI model ChatGPT और Gemini जैसा ही है, but when asked, it says its differentiator is that it is based on the responses given by Iron Man's Jarvis and is a lot fun to converse with, unlike the other chatbots jo kafi mundane sound karte hain. You can choose through the two given options to chat with it, regular and fun mode. QuickShare, previously known as Nearby Share, was only limited to x64 Windows devices up until now, along with the other Android devices. But recently, Google ne QuickShare ko Snapdragon X aur baki ARM devices ke liye bhi update kar diya hai. This is going to add a lot more devices to which files can be shared using an Android smartphone. LG ने अपने X-Boom पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया विद द लॉन्च ऑफ LG XL90, XO2T एंड Go XG2T। फीचर्स की बात की जाए तो X-Boom XL90 1000 वॉट का हाई पावर साउंड विद डुअल वूफर्स और पिक्सल LED लाइटिंग के साथ आने वाला एक पार्टी स्पीकर है। इसमें IPX4 वाटर रेजिस्टेंस, हैंडल और व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं, एंड दिस स्पीकर इज ग्रेट फॉर आउटडोर पार्टीज। It is priced at ₹64,900. X-Boom Go XG2T एक कॉम्पैक्ट 5 वॉट का स्पीकर है विद बेस बूस्ट और IP67 रगेड डिजाइन। LG क्लेम करता है ये 10 घंटे का प्लेबैक ऑफर करता है। It is ideal for travel when packing light is a priority. इसका प्राइस ₹4,990 रखा गया है। X-Boom XO2T is a modern looking speaker जो candle lighting effect और 360 sound के साथ आता है। ये speaker IP55 rated है और brand claim करता है आपको 15 plus hours तक का playback मिल जाएगा। Well, the first gadget that I have got for today's episode, it's pretty big, and by big I mean really big. And the simple reason is it is able to bring the cinema to our home. जी हाँ, सिनेमा का मजा हमको ये घर में दे सकता है, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट टीवी फ्रॉम सोनी, द ब्राविया 9। एंड गाइस, दिस टीवी इज रियली फैंटास्टिक, बिकॉज जो फीचर्स ये अपने साथ लेके आता है, इट डेफिनेटली प्रोवाइड्स यू विद ऑल द एंटरटेनमेंट दैट यू नीड, ऑल द बेस्ट ऑफ ऑडियो, ऑल द बेस्ट ऑफ पिक्चर क्वालिटी,
इनफैक्ट एआई भी है, और इन्हीं सब चीजों को मर्ज करने के बाद हमको मिलता है सिनेमा का मजा घर बैठे हुए इसी नए टीवी के साथ। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या नए फीचर्स हैं एंड हाउ एग्जैक्टली इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस सोनीज ब्राविया 9 टीवी। Sony launched their flagship TV, Bravia 9, a few months back in India, which is priced at ₹4,49,990 for the 75-inch model and ₹5,99,990 for the 85-inch model. ये एक mini LED TV है जो 4K 120Hz तक का refresh rate offer करता है. Out of the box, the first thing that strikes you is the brightness. Sony claim करता है कि Bravia XR 9 is their brightest 4K TV yet. And initial impressions confirm that this mini LED panel doesn't disappoint, especially when it comes to HDR content. The cognitive processor XR goes beyond typical image processing by analyzing focal points in the frame and tuning visuals to mimic how our eyes perceive depth and clarity. Moving to gaming, the Bravia 9 is also a strong pick for PlayStation 5 users. It includes HDMI 2.1 with support for 4K at 120Hz. इसमें ऑटो HDR टोन मैपिंग और ऑटो genre पिक्चर मोड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और एनहांस करते हैं. Sony's acoustic multi audio plus system is another key feature, with speakers placed around the screen to make sound feel like it's coming directly from the scene. Lastly, the Bravia 9's design, ये टीवी काफी refined और aesthetically pleasing दिखता है. With straight lines and minimal bezels, ये टीवी किसी भी होम डेकोर में बहुत easily blend हो जाएगा. So friends, there you have it, the Sony Bravia 9. Basically, एक बहुत exciting TV है coming from Sony. And Sony as a brand, you know, they have film cameras, they have film studios, and they have the TV as well. So the loop is now complete, and cinema experience आपको घर बैठे मिलने वाला है इस नए बड़े वाले Sony Bravia 9 के साथ में. वैसे cinema जाने का मजा भी अपने आप में एक अलग होता है, but sometimes you are just too lazy, और वो घर बैठे cinema चाहिए, वहाँ पर ये TV जरूर help करेगा. Guys, did you know something? मेरे जिस दिमाग में भी आया, you know, the high-end aerospace components, जो aircraft के कुछ parts होते हैं, the marine, you know, we have some marines and all, या अगर हम बात करते हैं high-end auto sport जो equipments होते हैं, वो बने होते हैं एक special material से, and it is called grade 5 titanium. गाइज, ये जो ग्रेड 5 टाइटेनियम है, ये इतना ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि सुपर रेजिस्टेंट अगेंस्ट हाई टेम्परेचर्स, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस का भी अगर टेम्परेचर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट्स एबल टू अवॉइड ऑल द वेयर एंड टेयर, और काफ़ी केमिकल्स के अगेंस्ट ये रिएक्ट नहीं करता है एंड ऑल, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक वंडर मटेरियल है बेसिकली. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ यूजिंग 90% टाइटेनियम, 6% एल्यूमिनियम एंड 4% वेनेडियम. बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हाट्स अबाउट टाइटेनियम? वेल गाइज, ये एग्जैक्ट सेम ग्रेड 5 टाइटेनियम काम में आता है टू मेक एप्पल्स प्रो आईफोन्स. जी हाँ, द 15 प्रो, द 15 प्रो मैक्स, द 16 प्रो एंड द 16 प्रो मैक्स, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग द ग्रेड 5 टाइटेनियम इन देयर कंस्ट्रक्शन. वैसे अगर हम बात करते हैं सैमसंग की फॉर एग्जाम्पल, तो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा also uses titanium, however it is a grade 2 titanium, जिसमें 99% तक titanium होता है. ये काफ़ी light weight भी होता है, मतलब अपने अपने pros and cons हैं. but did you know this, कि आपके फ़ोन में वही titanium लगा है जो किसी aircraft में लगा होगा? Quite exciting. If yes, then amazing. Enjoy the process. If no, then please let me know. You know the address. It's tg@ndtv.com. लिख डाली आपके मन की सारी बातें और मैं आपके सारे emails को पढ़ने वाला हूँ. Now friends, for the next gadget, I have this. छोटा packet, बड़ा धमाका. This is the new mini iPad from Apple. The iPad mini 7th generation. Guys, दिखने में बहुत छोटा सा है, with this 8.3-inch diagonal screen. Quite sleek design, quite lightweight, quite compact. But inside, इसमें लगा है Apple का A17 Pro processor, which simply means that we have
the option of Apple Intelligence. जी हाँ, काफी interesting ये छोटो वाला iPad Apple ने launch कर दिया है with pretty unique features. Let's see up close कि आखिर ये iPad कैसे आपकी life में आपकी productivity को और enhance कर सकता है. All thanks to Apple Intelligence. Apple released the all-new iPad mini with support for Apple's AI dubbed as Artificial Intelligence, as it uses the A17 Pro SoC compared to the A15 that was being used on the previous model. Ye SoC hum already iPhone 15 Pro models mein dekh chuke hain, and according to Apple, this is base requirement for Apple Intelligence to run. iPad mini 7th gen 8.3-inch ka liquid retina display use karta hai, जो 500 nits तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है. कैमरा रिमेंस द सेम फ्रॉम लास्ट जेन विद अ सिंगल 12 मेगापिक्सल रेयर कैमरा दैट कैन शूट वीडियोस एट अप टू 4K 60fps. फॉर द फ्रंट कैमरा द न्यू iPad mini यूजेस अ 12 मेगापिक्सल कैमरा विद सपोर्ट फॉर सेंटर स्टेज. द Wi-Fi कैपेबिलिटीज हैव बीन अपग्रेडेड टू Wi-Fi 6E एंड इट नाउ सपोर्ट्स द Apple Pencil Pro. बेस स्टोरेज अब 64GB से बढ़ाकर 128GB कर दी गई है. And the price starts at ₹49,900 and it is available in 4 color options: space gray, blue, purple, and starlight. So guys, that's everything about this new small iPad mini 7th generation. Ab kaafi time baad mini iPad aaya, but I must say this is very useful in some specific professions. I have seen pilots using this iPad, I have seen doctors using this iPad, because you sometimes need this small compact little tablet jisko aap apni pockets mein bhi carry kar sakte ho. At the same time, it has all the power to do all the complex tasks, and ab AI ki madad se definitely you can even enhance the process. Price for this one starts ₹49,900. Guys, पैसे की हम बात कर रहे हैं ना, तो ब्रेक के बाद आपको दोबारा आना है, because I'm gonna give you a very nice tip जिससे आप अपने expenses को थोड़ा सा better track कर सकते हैं, and आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, of course, जिससे आप अपने knowledge को enhance करके बाकियों के साथ में share भी कर सकते हैं. See you all after this short break. Hello guys and welcome back to Gadget 360 with Technical Guruji. मेरा नाम है गौरव AKA TG और मैं इस शो में हमेशा आपके साथ नए नए गैजेट्स के बारे में बातें करता रहता हूँ, आपको अपडेटेड रखता हूँ हमेशा कि what's happening in the field of gadgets all around us, and यहीं पे पैसे की बात आ जाती है, because to buy all these gadgets we of course need to pay a certain amount और उसके बदले में फिर हमको product मिलता है, and sometimes हम इन gadgets को use करके पैसे देते हैं. All thanks to UPI on our smartphones. Well guys, I have a tip for you. See, bank account से तो statement आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, but आप ये काम अपने Paytm account के साथ भी कर सकते हो. आप Paytm में जाके और all your UPI transactions, you can now get a statement in full details. अगर आपको track करना है कि आपने UPI से where all you have been spending your money, now you can track all of it. You can select a custom range, you can select even the financial year, ताकि you can track your finances better. And next time जब आप QR code scan करें, दिमाग में याद रहेगा कि यस, खर्चा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा. शेयर दिस टिप विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी पेटीएम यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं फॉर ऑल देयर ट्रांजैक्शंस. सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम अगेन फॉर माय फेवरेट सेक्शन आस्क टीजी, जहां पे आपके पूछे हुए सवालों का मैं जवाब देता हूं, और इस बार भी काफी एक्साइटिंग सवाल है और मैं तैयार हूं सभी जवाबों के साथ. लेट्स सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव फॉर दिस वीक्स एपिसोड. रुको, जी हां,
रुको और थोड़ा सा वेट करो. Why I'm saying this? The simple fact is, आपको बहुत जल्दी नए वाले फोन्स देखने को मिलेंगे मार्केट में. दे आर वेरी वेल पावर्ड यूजिंग द लेटेस्ट चिप्स, काफी एक्साइटिंग फीचर्स भी इनमें हैं. तो रेदर देन यू बाय अ फोन टुडे, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज, आई वुड से जस्ट अ कपल ऑफ मोर वीक्स, आपको मार्केट में और ज्यादा ऑप्शंस अच्छे मिलने वाले हैं, बेटर फोन्स एट द सेम प्राइस ब्रैकेट 50,000 रुपीज. तो उनका भी इंतजार कीजिए. See, A06 is like the basic Samsung's smartphone. So I would not strongly vote in favor of A06 as a secondary phone because you might not be that happy जो भी आप उसमें काम करना चाहेंगे. I would say spend a bit more और थोड़ा सा अपने बजट को प्लीज़ बढ़ा लीजिए because it is like the lowest end from Samsung. तो आप अगर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे ना, you definitely would get a better smartphone और you can look from options coming from other brands as well because ये जो price bracket है आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं मिलेगा इस फोन में. मतलब एक लेवल आपको ऊपर जाना पड़ेगा. Otherwise, if you really want to keep it like a secondary phone, in that case, ठीक है, आपका काम चल जाएगा. Hi Gaurav sir, is it a good time to buy iPhone 13 after the launch of iPhone 16? It depends on the deal that you are getting. See, हमने देखा अभी during the sale season, iPhone 15 was like 50,000 rupees, let's say. iPhone 13 अगर आपको मिलता है around 35, it's good. But उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो I would not say कि yeah, it's a great decision to buy that phone today. मतलब depending on what price you're getting it. अगर आपको 35,000 की रेंज में मिल रहा है ना, it's still a good phone. It will last, you know, for few more years to come. काफी मजा आएगा. But if you're paying like 40 or whatever for that, I don't think that makes a good option. Hello TG, क्या आप मुझे कोई budget friendly 3D printer suggest कर सकते हो? I can suggest, but the only issue with 3D printers, like technically speaking, is if it is too much affordable, then it's not that practical of a use. मतलब आप casually कुछ print कर लो, but then like you know thinking of कि मैं कुछ एक छोटा part print कर लूँ और फिर मैं वो कहीं use कर सकता हूँ या all that, उसके लिए आपको थोड़ा सा और investment करना पड़ेगा. And even in budget, मतलब normal printers you can get as low as 4,000-5,000 rupees, but 3D printers थोड़े से expensive आते हैं. तो if you can please specify next time you ask me a question about your specific use case scenario, I can then recommend you a better option. Not anytime soon. ये बिल्कुल नहीं होने वाला है आने वाले कुछ सालों तक तो ज़रूर, because जो flip technology वाले phones हैं, of course like kind of like a foldable phone of course, तो वो हमको मिलते हैं let's say 50,000 के price range में, 45,000 rupees let's say, but 20,000 के price bracket में आना उनका बड़ा मुश्किल है. मतलब आने वाले I don't think कि 2-3 साल तक तो ये काम होने भी वाला है, उसके बाद क्या पता हो क्या पता ना हो, but not anytime in near future I would say. So friends, that's all, everything. Basically, आपको मैंने सोनी का बड़ा वाला टीवी दिखाया, आपको मैंने छोटे वाला आईपैड भी दिखाया और आपके सवालों के जवाब भी दे दिए. Everything in this one episode of your favorite show, Gadgets 360 with Technical Guruji. अगर आपका कोई और सवाल है, if you have any message for me, you know the email address, it's tg@ndtv.com. Write in all your emails. मैं और मेरी टीम उन सबको पढ़ने वाले हैं और आपके साथ आने वाला हूँ नेक्स्ट वीक एक बार वापस से, सेम टाइम सेम place with even more amazing gadgets. See you all next week. That's it for today. Have a good day.